लगा था कि अब शायद व्यवस्थाएं कुछ हद तक सुधर जाएगी, लेकिन आज के हालात ये है कि महिला न घर में सुरक्षित है, न सड़क पे सुरक्षित है और न ही अपने कार्यस्थल पर सुरक्षित है। हमने देखा है कि अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल में एक डॉक्टर अपनी ड्यूटी कर रही थी नाइट शिफ्ट में। पहली चीज़ तो उसके लिए मूलभूत सुविधाएं हैं वो भी नहीं थी, पर फिर उसके बाद ड्यूटी के दौरान उसके साथ बुरी तरीके से रेप किया गया, फिर उसका मर्डर कर दिया गया और उसके बाद सरकार उस पर मिट्टी डालने की कोशिश कर रही है। साथ ही साथ उसके जस्ट बाद अभी उत्तराखंड में भी एक नर्स अपनी ड्यूटी करके घर जा रही थी, उसके साथ डॉक्टर भी थी, उस महिला का नर्स का भी रेप हुआ और हत्या कर दी गई। तो महिलाएं कहीं सुरक्षित नहीं है। यदि हम ये कहें कि घर से बाहर नहीं निकले वो संभव नहीं है, महिलाएं स्वास्थ्य क्षेत्र में पुरुषों से अधिक है, लेकिन उनकी सुरक्षा की किसी तरह की तो दावा किया जाता है ना, डॉक्टर नर्सिंग स्टाफ इन सबके लिए तो अलग से कानून है, अगर इनके साथ में किसी आप देख रहे हैं कानून है बकायदा, पर वो कानूनों की पालना हो रही है क्या? पालना हो रही है। उस निर्भया कांड के बाद हमें लगा था कि शायद स्थितियां कुछ सुधरेगी, लेकिन अभी हाल ही के दो जो लगातार इंसिडेंट हुए हैं, दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हम कहेंगे, उसके बाद हमको ना चाहते हुए भी हमारा जो कामकाज है मरीजों की सेवा करना छोड़ना और सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। मैं आपके माध्यम से सरकार से अपील करना चाहूंगी कि उत्तराखंड सरकार बंगाल के अंदर डॉक्टर के अंदर जिस तरीके से रेप और हत्या के बाद में मेडिकल कॉलेज के बाद में पूरे देश के अंदर इसी तरीके से धरने पर चल रहे हैं। अब देखिए कल से लगातार है वो बाड़मेर के अंदर है, अब देखिए कैंडल मार्च निकाला जा रहा है बाड़मेर के अंदर, सैकड़ों की तादाद के अंदर जो मेडिकल के डॉक्टर्स वगैरह है वो तमाम जो लोग हैं वो मेडिकल के सब किस लिए कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। सर पूरे देश में जुनून हो गया है, एक रेजिडेंट डॉक्टर को काम करते वक्त अपनी ड्यूटी वाली जगह पर रेप कर दिया गया, उनका मर्डर कर दिया गया है। तो क्या लगता है इतने कानून होने के बावजूद भी न्याय नहीं मिल रहा है? कहाँ कानून है सर, कानून कहाँ है? कहीं कानून नहीं है सर। क्या क्या जरूरत पड़ी कैंडल मार्च की? इतनी जो भी सीबीआई की जांच है, डिमांड हो रही है, क्या लगता है सरकार ने जो कार्रवाई की उसे आप संतुष्ट नहीं है? देखो एक डॉक्टर की महिला डॉक्टर साहब जगह अपराध हुआ और उसकी दर्दनाक मौत हुई, और उसके बाद में एक सेकेंड इंसिडेंस और हुआ कि वहां जाकर तोड़फोड़ हुई और वहां शांति मार्च में जितने भी हमारे डॉक्टर्स बैठे हुए थे उनके साथ में मारपीट हुई, और ममता बनर्जी जो है बिल्कुल न्याय के नहीं कर रही है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर आईएमए ने कल से 24 घंटे का बहिष्कार किया हुआ है, और जब तक हमें न्याय नहीं मिली है और जितने भी कल्प्रिट है उनको अगर जब गिरफ्तार नहीं करेंगे और उनको फांसी नहीं होगी तब तक हमारा ये अभियान जारी रहेगा। सर क्या लगता है इतने कानून होने के बावजूद भी इस तरीके से, क्या सरकार का फेलियर रहा? का फेलियर कहाँ रहा? बिल्कुल सरकार का फेलियर है, पुलिस प्रशासन पूरा कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, और वहाँ गुंडे जो है ममता बनर्जी के खुलेआम घूम रहे हैं और डॉक्टर्स का अत्याचार हो रहा है। डॉक्टर्स को हॉस्पिटल में जो काम करना चाहिए वो छिप छिप करके ऑन ड्यूटी, और उनकी जान को खतरा है तो किस तरह से डॉक्टर्स अपने देश की सेवा कर पाएंगे? अच्छा बोलिए बोलिए। उत्तराखंड के अंदर एक नर्स ड्यूटी करके अपने घर जा रही थी, उसके साथ रेप एंड मर्डर हो गया और 10 दिन बाद उसका मालूम चला, उसके खिलाफ पूरे भारत का नर्स समुदाय इन मेडिकल समुदाय के साथ मिलकर के न्याय मांग रहे हैं हम। अच्छा आप देखिए, अच्छा जो ये घटना हुई है उसके बारे में क्या लग रहा है कि किस तरीके से अनसेफ महसूस कर रहे हैं? जो घटना हुई है बंगाल में हुई है, रेसिडेंट डॉक्टर के साथ उसका बलात्कार किया गया और हत्या की गई, उसके सपोर्ट के उसमें न्याय के लिए हम बोलना चाहते हैं। आज हम भी अनसेफ फील कर रहे हैं, तो हम सबका इलाज कर रहे हैं तो हम ही अनसेफ फील कर रहे हैं, तो उसका उसका न्याय का क्या? सरकार हमको कब न्याय देगी? हम कब तक वेट करेंगे? तो हम न्याय चाहते हैं, इस वजह से हमने कैंडल मार्च की है और हम सब सपोर्ट में हैं। हम भी यहाँ पे अनसिक्योर फील करते हैं, हम एक सरकार एक न्याय बनाए और जागरूक हो कि हमको भी। अच्छा आप लोग, अच्छा एक चीज बताओ सर, जो ये क्या कुछ है आगे, किस तरीके से क्या कुछ मैसेज आया है और कितने टाइम के लिए ये सब कुछ? अभी अनिश्चितकालीन है, बाड़मेर और सारे मेडिकल कॉलेज के जो रेजिडेंट है सब हड़ताल पे है, उनके साथ में उसकी टीचिंग फैकल्टी भी हड़ताल में है। मैं आईएमए का सेक्रेटरी हूँ तो हमारा आईएमए उपचार प्राइवेट, हमारे सारे नर्सिंग फेलो, हमारे सब लेबोरेटरी एसोसिएशन वाले, हमारे सारे नर्सिंग बंधु, सबके अंदर भयंकर जो है सबके अंदर आक्रोश है। और ये जो जघन्य अपराध हुआ है, एक दर्दनाक महिला जवान चिकित्सक की जो मौत हुई है, ये सबके लिए, हमारे डॉक्टर्स के लिए नहीं, एक समाज के लिए भी बहुत मैसेज है कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है। जब इतनी महिला डॉक्टर भी सुरक्षित नहीं है, डॉक्टर कुछ सुरक्षित नहीं है तो डॉक्टरों के लिए तो तमाम कानून है, अगर जो किसी भी तरीके का कोई कानून नहीं है, कोई कानून नहीं है, कानून होता तो हम जो भी महिला जो हमारी साथी रेसिडेंट डॉक्टर जहाँ पे ड्यूटी कर रही थी वो
36 घंटे से कंटिन्यूस ड्यूटी पे थी, उसके बावजूद वहाँ पे ना उसकी सिक्योरिटी के लिए ना उसके आराम के लिए कोई व्यवस्था की गई थी। वो 36 घंटे लगातार कंटिन्यू ड्यूटी करने के बाद एक जगह पे आराम करने के लिए जाती है, वहाँ पे रात को 2 बजे 3 बजे कौन कहाँ पे आके कौन से दरिंदे हैं जो ऐसी मानसिकता रखते हैं वो आके उसका रेप करते हैं और बाद में उसका उसको हत्या करते हैं। और उसके बाद जब दूसरे दिन ये सब चीज़ों की पता चलता है तो सरकार उसको दबाने की कोशिश कर रही है कि जो कि जो जैसे कि वो लोग ऐसे कर रहे हैं कि जैसे ये कोई घटना बनी ही नहीं है, वो उन लोगों ने इसको सुसाइड के तौर पे डिक्लेयर किया। तो क्या ये न्याय अलग है सब लोगों के लिए? क्या हम ये जो डॉक्टर जो इतने घंटे के लिए ड्यूटी कर रहे हैं, रेसिडेंट जो कि एक डॉक्टर बनने से पहले अपने सबसे ज़्यादा ड्यूटी एक रेसिडेंट के पीरियड में करता है, जब वो अपने साथी सभी पेशेंट को मरीज को सबके साथ उलझता है, ठीक है, वो सब उसी चीज के लिए कर रहा है कि एक पेशेंट को जो को भी खतरा है, खतरा लग रहा है। देखो मेरे साथ यहाँ साथी रेसिडेंट डॉक्टर बहुत सारे काम कर रहे हैं जिसमें महिला के लिए यहाँ पे मैंने देखा है जब से मैं ड्यूटी में हूँ कोई भी ना कोई सरकार द्वारा, हम किसी भी सरकार को इसलिए सारी सरकार एक जैसी ही है मैं तो बोल रहा हूँ, कोई भी प्रकार की व्यवस्था कभी की नहीं गई है, हर बार हर कोई भी अपराध होता है। बहुत सारे कानून है डॉक्टरों के लिए कि अगर जो कोई भी मरीज के साथ में अगर आपके साथ में कुछ भी मारपीट कर देता है तमाम तरीके की कानून अगर कानून होता आप ही बोलिए, अगर कानून होता तो आज ये हमें करना पड़ता, आज हम ये सब ये मार्च हमें निकालनी पड़ती, अगर कानून होता तो ये चीजें पहले ही हो चुकी होती, आज ये हमें करना पड़ रहा है, हमारी मजबूरी है। हर जगह पे सारे डॉक्टर कोई ऐसे चाहता नहीं है, आज तक कोई भी डॉक्टर मैं गारंटी देता हूं कि कोई भी डॉक्टर ने किसी भी धर्म जाति या किसी के नाम के कोई भेदभाव के बिना सारवा की है, तो आज न्याय हमारे लिए अलग क्यों? आपको इस बात का भी मलाल है कि आपको इस तरीके से प्रदर्शन करना पड़ा है, मरीज है वो भी परेशान होते हैं? हाँ बिल्कुल, हमारे सारे रेसिडेंट डॉक्टर और साथी कर्मचारी जो नर्सिंग हमारे साथ में सपोर्ट में जुड़े हैं उनके भी साथ में ये जो घटना हुई है, उनकी एक जो नर्सिंग जो वहाँ कर्मचारी है उत्तराखंड के अंदर, वो जब उसकी ड्यूटी करके वापस जा रही थी कुछ गुंडों ने वहीं भी उनको पकड़ का उनके साथ रेप किया और उनके साथ ये दुष्कर्म किया, हत्या हुई। ये जो रेप का सिलसिला यहाँ शुरू हो चुका है ये कब बंद होगा, ये न्याय कब मिलेगा? कि जब तक ये सारी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं तब तक सरकार ध्यान दे रही है, उसके बाद वो सब भूल जा रहे हैं। जस्टिस मैडम, क्यों लेना पड़ा? सालों पहले एक निर्भया कांड हुआ था, उसके बाद लगा था कि अब शायद व्यवस्थाएं कुछ हद तक सुधर जाएगी, लेकिन आज के हालात ये है कि महिला न घर में सुरक्षित है, न सड़क पे सुरक्षित है और ना ही अपने कार्यस्थल पर सुरक्षित है। हमने देखा है कि अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल में एक डॉक्टर अपनी ड्यूटी कर रही थी नाइट शिफ्ट में, पहली चीज़ तो उसके लिए मूलभूत सुविधाएँ हैं वो भी नहीं थी, पर फिर उसके बाद ड्यूटी के दौरान उसके साथ बुरी तरीके से रेप किया गया, फिर उसका मर्डर कर दिया गया और उसके बाद सरकार उस पर मिट्टी डालने की कोशिश करी है। साथ ही साथ उसके जस्ट बाद अभी उत्तराखंड में भी एक नर्स अपनी ड्यूटी करके घर जा रही थी, उसके साथ डॉक्टर भी थी, उस महिला का नर्स का भी रेप हुआ और हत्या कर दी गई। तो महिलाएं कहीं सुरक्षित नहीं है, यदि हम ये कहें कि घर से बाहर नहीं निकले वो संभव नहीं है, महिलाएं स्वास्थ्य क्षेत्र में पुरुषों से अधिक है लेकिन उनकी सुरक्षा की किसी तरह की तो कोई दावा किया जाता है ना, डॉक्टर नर्सिंग स्टाफ इन सबके लिए तो अलग से कानून है, अगर इनके साथ में आप देख रहे हैं कानून है बकायदा, पर वो कानूनों की पालना हो रही है क्या? पालना हो रही है। उस निर्भया कांड के बाद हमें लगा था कि शायद स्थितियां कुछ सुधरेगी, लेकिन अभी हाल ही के दो जो लगातार इंसिडेंट हुए हैं दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हम कहेंगे, उसके बाद हमको ना चाहते हुए भी हमारा जो कामकाज है मरीजों की सेवा करना छोड़ना और सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। मैं आपके माध्यम से सरकार से अपील करना चाहूंगी कि उत्तराखंड सरकार और पश्चिम बंगाल की सरकार इन महिलाओं को, इन डॉक्टर को, इन नर्सेस को न्याय दे। इस बात का भी अफसोस है जहाँ पर महिला मुख्यमंत्री होती है उस तरीके की घटना हो जाती है। बिल्कुल अफसोस है, मुख्यमंत्री महिला होने के बावजूद भी हो रहा है, उत्तराखंड में भी हो रहा है, न नर्स सुरक्षित है न डॉक्टर सुरक्षित है। तो देखिए तमाम तरीके से सीधे तौर पर आरोप है कि वहाँ की सरकार है और जो अब तक की जो कार्रवाई हुई है उसको लेकर कुल मिलाकर देखिए बाड़मेर के जो मेडिकल कॉलेज का जो अस्पताल है वहाँ से ये लोग निकले थे गांधी चौक तक। दिनेश बोरा, बाड़मेर।